पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हुए मैच में जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको लेकर जाने पर शायद कोई प्रतिबंध लगाया गया था, और तिरंगा जो था, जो लोग तिरंगा लेकर वहां पर पहुंचे, ऐसा कहा जा रहा है कि किसी पुलिसकर्मी ने वहां पर हमारे देश के तिरंगे का अपमान किया और तिरंगा उठाकर उसने कहीं गलत जगह पर फेंका, जिसे कि कूड़ादान बताया जा रहा है। अब तिरंगे के इस अपमान के विरोध में जम्मू में जो छात्र हैं उन्होंने रैली निकाली है, एबीवीपी के छात्रों ने, और उनका ये कहना है कि तिरंगे के प्रति ये व्यवहार जो है ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तिरंगे का अपमान जो है वो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं छात्र एबीवीपी के जो है वो तिरंगा हाथ में लेकर इस समय सड़क पर निकले हुए हैं, और यही मांग है कि तिरंगे का जो अपमान, राष्ट्रीय ध्वज का जो अपमान मैच के दौरान हुआ वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बहुत दुखद है, और आइए जरा उनसे बातचीत करते हैं। क्या यहाँ पर उनका प्रदर्शन चल रहा है, मैं बताएंगे आगे जो रैली आपने निकाली है क्या इसका मकसद है? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जब मैच होता है उस समय हमारे तिरंगे का अपमान चेन्नई में होता है, जब हमारे श्रोता वहाँ पे अपना तिरंगा लेके स्टेडियम में जाने की कोशिश करते हैं, उस समय एक पुलिसकर्मी द्वारा उनसे तिरंगा लेकर के डस्टबिन में फेंक दिया जाता है, और जब विद्यार्थी परिषद तमिलनाडु में इसका विरोध करती है तो उनके ऊपर भी अत्याचार किया जाता है। डीएमके स्टालिन सरकार काफी समय से देश विरोधी स्टेटमेंट्स भी देती है, परंतु तिरंगे का अपमान करके उन्होंने पूरे देश को बता दिया कि वो किसकी सरकार है, और विद्यार्थी परिषद तिरंगे का अपमान कभी भी नहीं सहेगा। इसलिए आज तिरंगे के सम्मान में हम लोगों ने रैली निकाली है, और साथ ही साथ मांग करते हैं डीएमके से कि उन तथाकथित कर्मचारियों के ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ इसमें कहीं ना कहीं जो सियासत है वो इन्वॉल्व है, ये सियासत की वजह से हुआ? इस समय हमें वो सियासत का खेल है या नहीं, परंतु नेशनल प्लेटफॉर्म सबके लिए इम्पोर्टेंट है और उसकी इंटीग्रिटी को खेल उठाना शर्मनाक है, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। नेशनल फ्लैग की डिसरिस्पेक्ट को लेकर पहले ही बहुत सारे रूल्स है, नियम है, तो उनके तहत भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल होनी चाहिए, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसीलिए विद्यार्थी परिषद जो है वो विरोध में उतरी है। शुक्रिया। तो यहाँ पर देखिए कार्रवाई की मांग की जा रही है कि कार्रवाई इन पर की जाए, उन लोगों पर की जाए जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया मैच के दौरान, जो लोग तिरंगा लेकर आए थे उनके तिरंगों को डस्टबिन में फेंका जब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच हुआ। कहीं ना कहीं जो डिसरिस्पेक्ट थी उसका आज यहाँ पर विरोध किया जा रहा है, और यही मांग है कि एज पर लॉ जो है वो कार्रवाई की जाए दोषियों के खिलाफ, और जो दोषी कर्मचारी हैं उन पर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो डिसरिस्पेक्ट ऑफ नेशनल फ्लैग के अंदर जो कानून, जो प्रावधान है वो सभी इम्प्लीमेंट होने चाहिए ताकि दोबारा कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान ना करे। नमस्कार।